देखो मैंने ये डोला से शुरू करा था जी, अनूप है डोले का, इसने शुरुआत कर दी भाई थी इस प्रोग्राम की। उसके बाद हम रुके नहीं, हर हफ्ते हम तीन गांव करते हैं, और इतवार का दिन मैंने इसलिए चुना है क्योंकि बहुत लोग सर्विस वाले भी हैं और इतवार का दिन ऐसा कि सब अपने घर में होते हैं। और मेरे को रिस्पांस की जो आप बात कह रहे हो, यदि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ रिस्पांस भी बढ़ता जा रहा है मेरा, लोगों में रुझान है, लेडीज़ बात कर रहे हैं। वो तो ये भी नहीं पूछे जी कौन सी पार्टी थे सीधे न्यू कैंक जी आपको जिताएंगे आपके बाद, क्योंकि लोग त्रस्त हैं, तंग आ चुके कि भी हमारा कुछ नहीं बनाया जब से डिप्टी सीएम हमारे बीच में, एमएलए भी बने, डिप्टी सीएम की कुर्सी भी उनको बिठा दिया, लेकिन लोगों में संतुष्ट नहीं है उनको लेके। चौटाला साहब, बड़े चौटाला साहब भी कह रहे हैं कि दुष्यंत के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरा बेटा लड़ेगा, बेटा लड़ेगा तो मेरी पुत्रवधू लड़ेगी। तो ये तो परिवार के आपस की लड़ाई है। हम तो क्योंकि राजनीति में, जब से हमने राजनीति में अपनी शुरुआत करी है, हमने तो चाणा कभी छोड़ा नहीं। यहाँ तो अजय चौटाला राजस्थान से भी एमएलए बनका रहे हैं, बल्कि दुष्यंत के और से भी कोशिश करेगा। तो इनके लिए कोई ये जगह इनका कोई ना, तो इनका जन्मस्थान ना इनका कर, इनकी कोई कर्मभूमि, हमारा तो जन्मस्थान भी यही है, कर्मभूमि भी यही है, सारी उम्र यहाँ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। उमर खान मेवात के दंगों को लेकर आप क्या कुछ अपना भी रखें? देखो मेवात के दंगे तो चाहे वो डिप्टी सीएम का बयान हो, चाहे गृहमंत्री का बयान हो, चाहे वहाँ के लोकल गाँव के लोगों का बयान हो, सब ये कहते हैं कि ये सारा सुनियोजित था। चार साल से यात्रा निकल रही थी, शांतिपूर्वक निकल रही थी, लेकिन अब की बार वो पहले से उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी कि ये बजरंग दल के लोग आएंगे और उनके साथ हमने झगड़ा करना है, और झगड़ा फिर उग्र रूप धारण कर गया। तो बहुत गलत बात है कि हरियाणा में इस तरह की ना तो कभी हिंसा हुई, ना कभी जात पात के पर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। तो भी खान अभय सिंह चौटाला कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट है यहाँ से चुनाव लड़वाएंगे। ये तो हमारे इज्जत की बात है, गर्व की बात है कि पूरे 90 हल्कों में उचाणा ही एक ऐसा स्थान उनको दिखा। मैं कहती हूँ जितने भी उचाणा के लोगों को गर्व होना चाहिए, याद उचाणा इस जगह पर पहुँच गया कि भी मुख्यमंत्री की लड़ाई अगर लड़नी तो उचाणा से लड़ो, और हम भी इस दौड़ में है, ऐसी बात नहीं है। जो इसको लेकर लोगों में खुद ये भावना आई हुई है, हम तो सिर्फ उनको जागरूक करने की बात करते हैं कि अपने वोट की कीमत समझो, लेकिन लोगों में जो दुष्यंत के खिलाफ एक जितना उसका फेवर था, जिस तरह से उसको वोट मिली 47,500 से उसने मेरे को हरा रखा है, अब उसका उल्टा हो रहा है। वो मैं नहीं कह रही, पब्लिक कह रही है, लोग कह रहे हैं कि जी हम तो सोच रहे पता नहीं देवलाल का खानदान है क्या कर देगा क्या कर देगा, इसने तो हमारा कुछ भी नहीं करा। और व्हाट्सएप पे मैंने देखा कर एक छात्र का कोई दुकानदार कह रहा था मुझे 10 पर्ची थी, मैं 10 भी खो दी इसने, हम तो वोट मांगने जो भी बेकुन गए जबकि हम जेजेपी के थे। तो ये जो उसके जो खिलाफत हो रही है वो मेरी वजह से नहीं हो रही, उन लोग में अपने आप आने लग रही है कि अगर उसने कोई काम करे होते तो लोग उसने सराहते, काम उसने करे नहीं। और जो साहब तो खुल के कह चुके चीज़ कि मैं 100 काम गिना दूंगा, जो 10 भी 10 ही गिना दूँ। और एक और बात, जैसे हमारे को कहते जी 45 साल से आपके साथ हो, हम ये कहते कि 45 साल में 5 एमएलए रहे, उनसे क्यों नहीं तुम सवाल जवाब करते? बागसिंह छात्र रहा, देसा नंबरदार रहा, ओम प्रकाश चौटाला रहे, सुबह से भूमिया रहा, आज दुष्यंत है, 5 एमएलए हो गए, 5 का मतलब 5 बजे 25, वो 25 में हमारे में गिनते हैं लोग। तो अब जब आदमी हार जाता है तो उसकी ताकत तो लोग खत्म करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे सवाल करते हैं। मैं उनसे पूछो ना जो राज करके चले गए। आया करता कि हिमाचल का जो पानी है, जहाँ पे बागना का जो डैम बन रहा है उसका सारा पानी पहाड़ा में खत्म हो जा रहा है, अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज को उन्होंने स्वर्ग बुलाया किसी को, और ये कहते हुए ये जो पानी जो हमारा खराब जा रहा है इसको किस तरह से अपने हरियाणा और पंजाब के खेतों में देश का है। उसने एक योजना बनाई कि जी अगर हम पानी में डैम लगा दें तो जो पानी बरसात का पाड़ा मताव है वो इकट्ठा हो